मरने के बाद क्या होता है, ये दुनिया की सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र को हरी सब्जियां खाके और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी न कभी सबकी मौत होनी ही है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा, फिजिकल बॉडी तो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है। क्वेश्चन ये है कि मैं, जी हाँ, इस शरीर में जिसे आप मैं कहते हो, मैं यानी हमारी आत्मा, चेतना, सोल या कॉन्शियसनेस, ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, ओके, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मरने के बाद भी आप अपने होने को फील करते हो या आप पूरी तरह से जीरो हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक बार सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो और आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं होने को भी, मतलब नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद मरने के बाद भी आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरे दुनिया में 4200 रिलीजन्स हैं और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है, बट असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो असल में जानती है कि मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है। कॉन्ट्रोवर्शियल होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं। अब आप अपने मन में कह रहे होंगे कि क्या बक रहा है ये, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ये दावा करते हैं कि वो लोग मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है और मॉडर्न भाषा में इसे हम NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसी घटना के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा, खास करके इंडिया के गाँव में तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल कॉमन है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज ए होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम ही लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का ये कहना है कि वो एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वो सच में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया के परे है? 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया, पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट्स वो अपने शरीर में नहीं थे तब उनकी सांसें रुक गई थी, तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे, वो अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरी केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने उन 3 मिनट्स में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था, मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकल कर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, isn't it? पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसी एक्सपीरियंसेस हजारों नहीं
लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा जो ज्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल का एक्सपीरियंस, मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो ये एक्सपीरियंसेस होती है जो उन लोगों ने कहा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसी होती होगी। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, पर कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वो कुछ फील ही नहीं करते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है, पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस समय में। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उसमें से कईयों ने ये कहा है कि उस समय वो समय को देख सकते हैं, मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी। सच्चाई यही है कि ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो, देखो, उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस था, ओके? उन्होंने ये कहा कि वो एक एम्प्टी वर्ल्ड स्पेस कुछ नहीं नथिंग ऐसी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे वो वहां पे होते हैं तभी ना एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है अगर आप डीपली सोचो तो। इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है ये फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है पर जो मैं की फीलिंग है ये कॉन्शियसनेस वो नहीं मरती। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स बने हैं। सच्चाई तो कोई नहीं जानता पर ये फैक्ट्स तो यही कहती है। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी मैं वाली फीलिंग जो है ना वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है या फिर शायद अगला जन्म होता है, पर अगला जन्म एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। रियली प्रॉमिस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस घंटे को ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।